ये हमने कन्वर्ट नहीं करवाई है, ये ओरिजिनल है, कमी खाली ये वाली है। अब महिंद्रा ने यहाँ पर एक कंजूसी करी, ये किसी रिव्यूअर ने नोट नहीं करा लेकिन मेरे को देखने से ही पता लग गया था। बेसिकली ये एंड्रॉइड टैबलेट टाइप का ही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो ये है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 टॉप एंड वेरिएंट है ये वाला, देख सकते हो नया महिंद्रा का लोगो ये वाला। ये हमने कन्वर्ट नहीं करवाई है, ये ओरिजिनल है पूरा। वैसे स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी इसका रुतबा जो है अभी भी कायम है। और इसके लॉन्च होते से ही इसके जो कस्टमर है उन्होंने ये गाड़ी खरीद ली है। इस गाड़ी से पहले इसके जो कस्टमर है उनके पास 6 स्कॉर्पियो ऑलरेडी रह चुकी है। उन्होंने 6 स्कॉर्पियो यूज़ करने के बाद में ये 7वीं स्कॉर्पियो खरीदी है नए वाले लोगों के साथ में, क्योंकि इस गाड़ी के फैन ही बहुत ज़्यादा अलग है। अब वैसे पुराने वाले मॉडल और इस वाले मॉडल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही गाड़ी की ड्राइविंग वगैरह में क्या फ़र्क आया वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं पुराने वाले मॉडल से और इस वाले मॉडल में। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me. सबसे पहले बात करते हैं की तो की आपको ये नई वाली देखने को मिलेगी। हालांकि है जब पुरानी, पहले यहाँ पर लोगो जो था वो पुराना आता था, अभी नया वाला लोगो देखने को मिल रहा है। और ठीक ठाक सी है, फ्लिप की आपको देकर रखी हुई है, यहाँ पर लॉक अनलॉक और ये अलार्म का बटन देकर रखा हुआ है। अब बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ। तो देखो गाड़ी के अंदर जो एक ग्रिल है ये आपको अब नई दे दी गई है। पहले यहाँ पर वो डब्बे बने हुए आते थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये खड़े स्लैट्स वगैरह जो देखने को मिल रहे हैं और बीच में आपको नया महिंद्रा का लोगो देखने को मिल रहा है। ये लोगो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस गाड़ी में। और ये फोटोज़ वगैरह में तो इतना कुछ खास नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी इसको अगर रियल लाइफ में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। लाइट्स वगैरह की बात करें तो ये वाली यूनिट जो है वो तो सेम टू सेम है जो कि पहले आती थी। यहाँ पर ये DRL वगैरह, ये प्रोजेक्टर वगैरह, ये रिफ्लेक्टर वगैरह देकर रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर कॉर्नरिंग लैम्प का फंक्शन वगैरह भी देकर रखा हुआ है और यहाँ पर इंडिकेटर देकर रखा हुआ है। ये सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस करे गए हैं। यहाँ पर आपको अब एडिशनल यहाँ पर नया DRL देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको फॉग लैम्प हाउसिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल जाती है। इसके बाद में और तो कोई चेंज नहीं करा गया है, वैसा का वैसा ही है। खाली ये स्कूप जो है पहले ये वर्किंग था, लेकिन अभी ये मतलब अभी खाली शो ऑफ के लिए लेकर रखा हुआ है। इसका एज सच कोई ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि इसके इंजन वगैरह में चेंजेस कर दिए गए इसलिए। अब बात करते हैं साइड की। तो भाई साइड में आपको यहाँ पर दो मोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो क्लैडिंग वगैरह करी गई है जहाँ पर स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग आती है उसको चेंज करा गया है। पहले ये स्कॉर्पियो आपको इस वाले गेट पर लिखा हुआ मिलता था, लेकिन अभी आपको ऐसा बड़ा सा देखकर रखा हुआ है, देखने में ठीक लग रहा है। सिल्वर फिनिश वगैरह देखकर रखी हुई है। और दूसरा चेंज आपको अलॉय व्हील में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पहले सिंपल वाले देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर अभी आपको डायमंड कट वाले फिनिश देखकर रखी हुई है। हालांकि अलॉय व्हील तो सेम टू सेम ही है, खाली कलर चेंजेस करे गए हैं और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बन गया है। कमी खाली ये वाली है, लोगो आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है लेकिन ये ब्लैक देखकर रखा हुआ है, इसको थोड़ा डिफरेंट करते तो और बढ़िया रहते। अब महिंद्रा ने यहाँ पर एक कंजूसी करी, पहले वो यहाँ पर ORVM पर इंडिकेटर देते थे, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने फेंडर पर लगा दिया है। ये थोड़ा सा मेरे को खटा, लेकिन चलो काम चला लेंगे इससे। अब बढ़ते हैं रियर में। तो भाई रियर में भी यहाँ पर मोटे मोटे दो तीन चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहला तो भाई आपको यहाँ पर टेल लैम्प जो है वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर थोड़ा ब्लैक एलिमेंट देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसको पूरा बड़ा सा बना दिया गया है। हालांकि ये एलिमेंट ही चेंज करा है, हेडलैम्प तो वैसा, ये टेल लैम्प वगैरह जो है ये तो वैसा का वैसा ही है। बीच में आपको यहाँ पर स्कॉर्पियो वगैरह देखने को मिल जाता है, बाकी ये नई आपको यहाँ पर बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है क्लासिक की। और यहाँ सेंटर में जो ये लोगो है ये थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है, बाकी ऐसा तो कोई बड़ा चेंज नहीं है यहाँ पर रियर में। साथ में महिंद्रा ने जो आगे वो ORVM में कंजूसी करी थी, वैसी की वैसी यहाँ पर टेल लैम्प जो है टॉप माउंट वाला इसमें भी करी है। पहले आपको यहाँ पर ऐसे लंबा सा LED वाला देखने को मिलता था, लेकिन अभी ये आपको बोलेरो में जो आता है वो वाला देखने को मिलता है। ये किसी रिव्यूअर ने नोट नहीं करा, लेकिन मेरे को देखने से ही पता लग गया था कि भाई यहाँ पर महिंद्रा ने कंजूसी करी है। आप इसको रियर से देखो तो भाई ऐसा लगने वाला है आपको ये। अब इसके बोनेट वगैरह को खोलकर देखते हैं तो इसका लीवर वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बोनेट के अंदर इसके इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल जाती है। सबसे पहले ये आपको अभी इंडिया में लगभग किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलती इस प्राइस पॉइंट पर, स्कॉर्पियो N के अंदर भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर लीवर है, इसको अगर आप प्रेस करते हो तो भाई एक हाथ से ये बोनेट जो है वो खुल जाता है। खुलने का रीज़न है भाई इसके हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, जो कि आपको ना तो XUV700 में देखने को मिलते हैं और ना ही स्कॉर्पियो N के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर्चुनर वगैरह के अंदर भी नहीं आते ये वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर है।
अब आते हैं इंजन की तरफ। तो देखो इंजन आपको इसके अंदर एमओक सेकंड जनरेशन का देखने को मिल जाता है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, आवाज़ वगैरह भी कम करता है और गाड़ी के एनवीएच भी इस इंजन की वजह से कंट्रोल हो चुके हैं और वाइब्रेशन वगैरह भी कम हो चुके हैं। गियर लीवर वगैरह पर वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलते अभी आपको ज़्यादा। पावर फिगर्स जो है इंजन की अभी थोड़ी कम हो चुकी है, पहले ये आपको 140 bhp प्रोड्यूस कर देती थी, लेकिन अभी आपको ये करीबन 130 bhp प्रोड्यूस कर देती है। एमओक की बैजिंग वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। महिंद्रा ने यहाँ पर ये एमओक 130 नहीं दे रखा, पता नहीं क्यों। बाकी इंजन वगैरह आप साइलेंट हो चुका है, कस्टमर का भी मानना है कि भाई हाँ पहले से बेटर हो चुकी है गाड़ी, क्योंकि उन्होंने तो 6 स्कॉर्पियो यूज़ करी है, तो भाई उस हिसाब से तो उनको ज़्यादा ही पता होगा। अब देखो मैंने पुरानी वाली स्कॉर्पियो और नई वाली स्कॉर्पियो नहीं चलाई है ज़्यादा, तो भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मैं कैसे ही दूँ, लेकिन हमारे साथ में आज के गेस्ट है जो कि आपको अभी आज का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो देने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको पूछते हैं कि भाई पुरानी वाली स्कॉर्पियो और नई वाली स्कॉर्पियो में ड्राइविंग में क्या फ़र्क आया है। पहली वाली जो गाड़ी थी A11, जैसे गाड़ी आप चाबी लगाते ही स्टार्ट करेंगे तो ये जो गियर लीवर है वो पहले पूरा वाइब्रेट करता था, अब तो काफ़ी सुधार हो गया है। और जैसे इसको गाड़ी को उठाने का वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है, चलाने का मजा ही और कुछ और है इस गाड़ी का। जैसे पहले इसके अंदर 140 bhp आती थी, लेकिन अभी 130 bhp आती है, तो वो पावर फिगर जो कम हुए नए वाले इंजन में, क्या वो फील होते हैं आपको? नहीं, काफी अच्छा है, पावर भी अच्छा है इसका, मतलब कुल मिला के पहले वाली से और इसमें मजा आता है। पिकअप वगैरह के लिए स्कॉर्पियो जानी जाती है, तो क्या पिकअप वगैरह में कुछ कमी आई है अब? नहीं, कोई कमी नहीं है उससे, तो पहले करता था अभी वाली इस गाड़ी में पिकअप वगैरह और बेटर हुआ है। अच्छा। अब महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर सस्पेंशन वगैरह चेंज करे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई गाड़ी के अंदर बॉडी रोल वगैरह कम हुआ है, तो क्या आपको प्रैक्टिकल लाइफ में पता लगता है कि भाई बॉडी रोल कम हो गया है? हाँ जी, काफी चेंज हो गया है, जैसे चलाते थे एक तो हल्के फुल्के जो खड्डे आते थे काफी मतलब हिलती जुलती थी, अब बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट हो गई है गाड़ी, पता ही नहीं चलता है कि ये हिल रही है मतलब कार की जैसी होकर इस गाड़ी की। अब बढ़ते हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर में क्या चेंजेस वगैरह है और क्या देखने को मिलता है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोर पैनल से, तो फिर डोर वगैरह कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा डोर है, ज़्यादा कुछ ऐसे तामझाम नहीं करे, यहाँ पर एकदम बेसिक सा देकर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिश देखने को मिल जाती है और ये सारा हार्ड प्लास्टिक जो है वो देखने को मिल जाता है, और ये ब्लैक पट्टी वगैरह देकर रखी हुई है, ये पियानो फिनिश दे रखी है ऐसा लगता है, लेकिन पियानो फिनिश नहीं है ये। यहाँ पर आपको पावर विंडो वगैरह कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड में आपको ये ऑटो देखने को मिल जाता है और ये चाइल्ड लॉक वगैरह देकर रखा हुआ है, और नीचे की तरफ आपको ये फाइल वगैरह रखने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह देखने को मिल जाती है। बॉटल होल्डर नहीं मिलता, अगर देते तो बढ़िया रहता, लेकिन नहीं देकर रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा स्ट्रैप वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है, और ये स्पीकर की यहाँ पर ग्रिल वगैरह जो है वो देकर रखी हुई है, वैसे की वैसी है, ज़्यादा बताने से मतलब नहीं है इसके बारे में। तो अब इधर आए तो इधर आपको ये सीट वगैरह कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है, अभी तो इस पर कवर वगैरह चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको अंदर की तरफ से देखा जाए तो भाई आपको यहाँ पर फैब्रिक की सीटें जो है वो देखने को मिल जाती है पूरी तरह से। अब बढ़ते हैं इधर की तरफ, तो भाई इधर देखो तो यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल देखने को मिलते हैं, ये डिफॉगर का बटन देकर रखा हुआ है, ये फ्यूल लाइट का बटन देकर रखा हुआ है, ये हेडलाइट लेवलर है, और ये आपको ORVM कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर, देखो ऐसे कुछ चेंज नहीं करा है डिज़ाइन में, वैसा का वैसा ही है जो कि पुराने मॉडल में आता था, खाली यहाँ पे ये लोगो वगैरह और थोड़ा कलर थीम जो है उसको चेंज करा है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो भाई पुराने वाला ही है, यहाँ पर पहले आपको सिल्वर फिनिश वगैरह देखने को मिलती थी, लेकिन अभी यहाँ पर पियानो ब्लैक देखने को मिल रहा है, और ये लोगो जो है ये आपको अभी नया देखने को मिल रहा है। स्टेयरिंग व्हील जो है वो आपको लेदर रैप के अंदर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये मीडिया कंट्रोल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी स्टेयरिंग वगैरह के अंदर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इसका लीवर वगैरह जो है वो देखकर रखा हुआ है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो भाई आपको वैसे सही देखने को मिलता है, यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं कराया है इन्होंने, इधर आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, इधर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, और बीच में आपको एक छोटू से MID वगैरह जो है वो देकर रखी हुई है, जिसके अंदर आपको ये फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज वगैरह देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पर ओडोमीटर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी इधर की तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और इधर की तरफ आपको हेडलाइट जो है उसके कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेंटर कंसोल की, तो भाई सेंटर कंसोल आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, सबसे पहला चेंज है सेंटर कंसोल के अंदर, ये वुडन फिनिश जो है उसका है, पहले आपको यहाँ पर कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती थी पियानो ब्लैक टाइप की, लेकिन अभी आपको ये पूरा वुडन और प्रीमियम टच देकर रखा हुआ है, देखने में पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक नई टच स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है, पहले आपको यहाँ पर महिंद्रा की ओरिजिनल वाली देखने को मिलती थी, लेकिन अभी आपको यहाँ पर थोड़ी आफ्टर मार्केट टाइप की देकर रखी हुई है, साइज़ वगैरह भी स्क्रीन का जो है वो बढ़ चुका है। अब रिस्पॉन्स वगैरह की बात करें तो रिस्पॉन्स इस स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इसके अंदर आपको कुछ ऐप आइकन वगैरह ऐसे देखने को मिल जाते हैं, बेसिकली ये एंड्रॉयड टैबलेट टाइप का ही है, जो टैबलेट वगैरह के सिस्टम आते हैं वैसे से इसके अंदर देखने को मिलते हैं, खाली महिंद्रा ने इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कराया, और आपको यहाँ पर सेंटर वगैरह में स्कॉर्पियो देखने को मिल जाती है,
बाकी वो एंड्रॉइड टाइप का ही है। इसमें आपको मिरर लिंक देखने को मिलता है, शायद से एप्पल कार्डप्ले एंड्रॉइड जैसे फीचर इसके अंदर देखने को नहीं मिलते, और वैसे भी उनको ज्यादातर यूज नहीं करेगा स्कॉर्पियो लेने वाला बंदा। तो बाकी इधर की तरफ आपको एसी के कंट्रोल्स और ये कुछ डमी स्विचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ देखो तो आपको यहाँ पर कुछ कभी होल्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। अभी अभी गणपति बप्पा मोरिया इधर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो आपको ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं इधर की तरफ, तो भाई ये भी आपको थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलेगा पुराने वाले से। अभी ये लेदर रहा, आपको गियर नॉब देखने को मिल रहा है जो कि नया है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये वाला। पहले इसके अंदर थोड़ा अलग आता था लेकिन अभी ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी सेंटर कंसोल के अंदर स्पेस भी अच्छा खासा देकर रखा हुआ है, हैंड ब्रेक वगैरह देकर रखा हुआ है, आप देख ही सकते हो। अब इधर की तरफ देखें तो भाई वैसा सा ही डैशबोर्ड है, क्लासिक स्कॉर्पियो की बैजिंग वगैरह करके रखी हुई है। इस बैजिंग के लिए ही लोग इस गाड़ी को लेते हैं, बाकी तो नहीं लेते इस गाड़ी को। और ये ग्लव बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको डिसेंट सी स्पेस देखने को मिल जाती है। बाकी उधर का डोर पैनल भी वैसा का वैसा ही है। अब बढ़ते हैं पीछे वाली सीट पर, तो भाई पीछे वाली सीट का डोर पैनल आपको जैसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ होल्ड वगैरह करने के लिए यहाँ पर टिकट होल्डर जो है वो देकर रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको बोतल होल्डर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ऐसे कोई बड़ा सामान नहीं देकर रखा हुआ है यहाँ पर। तो अब नई वाली स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपको यहाँ पर दो सीटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको ये जंप सीट वाला वर्जन चाहिए तो आप ऐसा ले सकते हो जैसा कि अभी इन्होंने लेकर रखा हुआ है, और दूसरा ऑप्शन आपको फ्रंट फेस सीट का देखने को मिल जाता है। जैसे इनोवा के अंदर कैप्टन सीट वगैरह या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर जो कैप्टन सीट वगैरह देखने को मिलती है, वैसी सी ही आपको इस वाली गाड़ी के अंदर भी देकर रखी हुई है। सेंटर वाले एरिया में आपको दो कैप्टन सीट देखने को मिलेगी, और ये जो अभी ये सेंटर में जो सीट लगी हुई है ऐसी की ऐसी सीट आपको यहाँ पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगी, जो कि मेरे को थोड़ा बेटर लगता है इस वाले वर्जन से। तो लेकिन कस्टमर की अपनी चॉइस थी तो उन्होंने ऐसी वाली खरीद दिया, या फिर डिलीवरी वगैरह के कुछ इश्यूज होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अंदर की तरफ और बैठकर दिखाता हूँ। तो देखो ओवरऑल गाड़ी की सीट वगैरह जो है उनका कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसका थाई सपोर्ट वगैरह भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, और ये जो रियर हेडरेस्ट वगैरह देकर रखा हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही में आपको सेंटर के अंदर ये आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो इस आर्मरेस्ट वगैरह को भी। बाकी एमिनिटीज वगैरह की बात करें तो भाई आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल और ये हुक वगैरह देकर रखा हुआ है, ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, खाली ये बोतल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और ये आगे की सीट में आपको कुछ ऐसा मोबाइल रखने के लिए पॉकेट वगैरह देकर रखा हुआ है, बाकी ऐसा कोई आपको यहाँ पीछे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है। और हाँ, सेंटर में ये थोड़ा बहुत कप होल्डर टाइप का, और ये एसी वेंट वगैरह देकर रखे हुए हैं बस। अब बढ़ते हैं रियर में, तो भाई रियर डोर खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। यहाँ पर पीछे दो जंप सीट वगैरह देखने को मिल रही है, अगर आप इसको मतलब ऐसे फोल्ड कर देते हो तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जंप सीट अगर यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बैठने के बाद आपको स्पेस तो ज़्यादा नहीं मिलने वाला लेकिन आप अपना राइड वगैरह एंजॉय कर सकते हो। वैसे भी ये रोलर कोस्टर वाली राइड आपको ऑफर करेगी। वैसे इसके फ्यूल लिड खोलने के लिए आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल देकर रखा हुआ है, लेकिन अगर बाई चांस आपकी गाड़ी की बैटरी वगैरह लो हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पर लीवर वगैरह जो है वो देकर रखा हुआ है। अगर आप इसको पुल करते हो तो आपका ये जो फ्यूल लिड है वो खुल जाएगा। साथ ही में आपको ये DEF के लिए भी अलग से लीवर वगैरह देकर रखा हुआ है, इसको खोलोगे तो भाई उधर वाला खुल जाएगा। मैक्सिमम 7 सीटर्स में क्या होता है कि भाई पीछे वाले जो ये क्वार्टर पैनल्स होते हैं या फिर पीछे वाली विंडो होती है वो पैक होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको इसको खोलने का भी ऑप्शन देकर रखा हुआ है। अगर आप इसको खोल देते हो तो ये इधर से थोड़ा बहुत स्पेस खुल जाता है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। इधर से आपको ये हवा पास करने के लिए मिल जाता है, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी दरवाजे में भी एक और कमी लगी, ये जो डिफॉगर वाले जो कंट्रोल्स है इनको थोड़ा पैक करना चाहिए था, लेकिन ये वायर वगैरह खुले छोड़ दिए तो शायद से इनमें खराब होने के चांस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन महिंद्रा तो महिंद्रा है। तो बस ये थी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 टॉप वेरिएंट, जिसको मैं दिखाना चाहता था। अब पुराने वाले से नए वाले में क्या फ़र्क पड़ा है उसका एक्सपीरियंस वगैरह भी मैंने शेयर कर दिया। बाकी ट्रक वगैरह बहुत आते हैं ये। अब आपको कैसी लगी ये वाली स्कॉर्पियो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको ये वाली अच्छी लगती है या फिर स्कॉर्पियो एन, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो तो। सब हजार अलग अलग नाम डाल रही हो, कहीं गरीब का नाम है, कहीं गरीब का नाम है। स्कॉर्पियो नाम बिच्छू, स्कॉर्पियो अगर स्कॉर्पियो कन्वर्ट करो नाम ना ओरिजिनल में, मेरा नाम बिच्छू कहवा बिच्छू।